हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी टू प्रॉब्लम्स हैं। वन बाय वन हम ईच प्रॉब्लम्स को लेंगे। फर्स्ट हमने लिया है फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड ए बी, यानी इस फिगर में आपको ए बी कैलकुलेट करना है। और इसके लिए आपको जो गिवन है इस फिगर में इंफॉर्मेशन, एफ सी एंड ई डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। नाउ एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री एंड एंगल एफ ई डी इज 60 डिग्री एंड एफ सी 20 एंड ई डी इज 30। तो फ्रेंड अगर आप देखें तो ए सी सी डी और डी बी को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन आफ्टर इसको एड कर लेंगे तो ये आपका ए बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फोर ए सी के लिए। सॉल्यूशन, फोर ए सी इन ट्रायंगल ए एफ सी। नाउ अब यहां पर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर और बेस में रेशो होता है आपका 10 और 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एफ सी अपॉन ए सी और 10 45 1 और एफ सी 20 और ए अपॉन ए सी तो ए सी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 20 यूनिट। नाउ अब सी डी को आफ्टर देखते हैं, सबसे पहले हम लेंगे बी डी को। फोर बी डी इन ट्रायंगल ई डी बी। नाउ यहां पर भी अगर आप देखें तो ई डी 30 और डी बी आपका अननोन है तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है तो यहां पर भी आपको 10 60 यूज करना होगा। 10 60 परपेंडिकुलर ई डी अपॉन डी बी और 1060 की वैल्यू रूट 3 ई डी 30 और डी बी कैलकुलेट करना है तो डी बी इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3। नाउ रूट 3 को रेशलाइज कर लेते हैं तो रेशलाइजेशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ 30 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3 इससे कैंसिल होके आपको मिला 10। नाउ 10 इंटू 1.732 यानी रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.732। नाउ 10 की मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो ये जाएगा 17.32। नाउ 4CD, जरा इसको अब हमें ध्यान से देखना होगा। यहां पर कोई भी ट्रायंगल गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम एफ सी ई डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। yes. अब ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखें सी एफ जी डी, ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और यहां पर हमने परपेंडिकुलर दिया है तो ये भी 90 डिग्री तो 4 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर एफ जी ऑन ई डी, देयरफॉर सी डी जी एफ इज अ रेक्टेंगल। तो आप ये कह सकते हैं अगर ये रेक्टेंगल है तो सी एफ इज इक्वल टू डी जी एंड सी डी इज इक्वल टू एफ जी, इसे हम इक्वेशन वन कह देते हैं। नाउ अब यहां से हम देखें तो एफ ई जी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहां पर ई जी को निकालना इजी है तो हम लेंगे ई जी इज इक्वल टू ई डी माइनस डी जी, इज इक्वल टू ई डी, ई डी आपका 30 है माइनस
डी जी, डी जी आपका है 20। अगर हम इसे कोटेशन डालें तो फ्रॉम इक्वेशन वन, वन में हमने ये कॉज मेंशन किया है। नाउ दिस विल गिव्स 10। नाउ फिट, अब अगर आप देखें इन ट्रायंगल ई एफ जी, ई एफ जी में एंगल एफ ई जी 60 डिग्री हो गया, तो बेस आपका ई जी हो जाएगा और परपेंडिकुलर एफ जी। अब यहां पे ई जी आपने अभी कैलकुलेट किया है, तो हम ले लेंगे 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एफ जी अपॉन बेस यानी ई जी, और 10 60 की वैल्यू रूट 3 एफ जी, ये आपको कैलकुलेट करना है। और ई जी अभी आपने कैलकुलेट किया है यानी कि 10, तो एफ जी इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 3, और ये हो जाएगा 10 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 17.32। नाउ फ्रेंड अब 4 ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। नाउ ए सी आपका 20 हो गया। नाउ सी डी की अगर हम बात करें तो सी डी इक्वल टू एफ जी है और एफ जी आपका हो गया 17.32, तो ये हो जाएगा आपका 17.32 प्लस डी बी, डी बी भी है आपका 17.32, तो ये भी हो जाएगा 17.32। नाउ ऐड करते हैं तो पॉइंट के बाद ये हो जाएगा 64 और ये यानी कि 54.64 यूनिट। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे पास दो ट्रायंगल थे उनसे हमने एसी और डीबी कैलकुलेट कर लिया, जो एसी आपका 20 यूनिट और डीबी आपका 17.32। नाउ अब हमारे पास सीडी के लिए जो था वो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल था। यहीं पर रिमेंबर पॉइंट है कि आपको पॉइंट एफ से ईडी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। नाउ यहां से हमने ईजी कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपके पास 10 यूनिट। नाउ बिकॉज ये एंगल गिवन है तो बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन हमने इसको कैलकुलेट किया एफ जी को, एफ जी आपका आ गया 17.32 क्योंकि एफ जी इक्वल टू सी डी है, तो यहां से हमारे पास सी डी भी आ गया। देन आफ्टर ए बी के लिए ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, देन इन सब की वैल्यूज पुट कर दी और वैल्यू पुट करके सबको एड कर दिया तो ये आपका आ गया 54.64 यूनिट। ओके फ्रेंड, आई होप अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियरली। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इन दिस प्रॉब्लम इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी एज शोन, ए बी पैरेलल डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ ए बी, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी। नाउ फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यहां पर मेंशन करते हैं, ए डी डी सी एंड बी सी ऑल आर 20 सेंटीमीटर, तो ये हमने किया 20 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। नाउ एंगल ए इज 60 डिग्री। नाउ फ्रेंड अगर आप यहां पर देखें ट्रेपेजियम में जब कभी भी दो नॉन पैरेलल साइड यानी जो भी नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो अगर आपकी इक्वल हैं तो वो एक आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम बनता है। और आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम का मतलब ये हो जाता है कि ये जो वन साइड है इसके साथ जो भी एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मींस एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी भी आपका 60 डिग्री होगा। नाउ देन आफ्टर यहां पर ए बी कैलकुलेट करना है और इनके बीच की डिस्टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस पैरेलल लाइन में ऑलवेज कांस्टेंट होती है, तो यहां से डी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम दिस मच, ये हो गया डी ई, और एक सी से
यहां डालेंगे ए बी पर ही ये एफ पॉइंट। नाउ अब आपके पास ईच साइड में टू ट्रायंगल आ गए हैं ए डी ई एंड एफ सी बी। तो अब हम वन बाय वन इन डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं और देन इस सबको ऐड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट फोर ए ई के लिए इन ट्रायंगल ए डी ई। अब ए डी ई में अगर आप देखें तो यहां ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन होता है आपके पास कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस ए ई और हाइपोटेनियस ए डी और कॉस 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2 इज इक्वल टू ए ई। कैलकुलेट करना है ए डी आपका 20 तो आप कह सकते हैं ए ई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 और इससे कैंसिल होके आपको मिला 10 सेंटीमीटर। नाउ ए ई इज इक्वल टू हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। नाउ ई एफ ई एफ अब इसको जरा समझते हैं। यहां पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये एक पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर है तो इट मींस ये जो डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस ये दोनों सेम होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। जब ये एक 90 डिग्री और 90 डिग्री है और ये पैरेलल है तो ये आपका क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेगा। तो ई एफ इज इक्वल टू डी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब रीजन लिखेंगे डी सी एफ ई इज रेक्टेंगल। ओके फ्रेंड नाउ फोर बी एफ यानी बी और एफ के लिए इन ट्रायंगल एफ सी बी और यहां पर भी अगर हम देखें तो ये आपका हाइपोटेनियस और ये आपका बेस तो इसके लिए भी हम लेंगे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हो जाएगा आपका एफ बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका बी सी दैट इज एफ बी अपॉन 20। नाउ कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू एफ बी अपॉन 20 और यहां पर अगर देखें तो एफ बी इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 और ये रिड्यूस होके आपके पास आ गया 10 एफ बी इक्वल टू 10। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। नाउ ए ई 10 ई एफ इज 20 एंड एफ बी इज ऑल्सो 10 दैट विल 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका ए बी फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया है। नाउ सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपको डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डीसी कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको ही हमें कैलकुलेट करना होगा जो कि आपकी इन दोनों लाइंस की यानी पैरेलल साइड्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। नाउ इसके लिए हम फिर से इन ट्रायंगल ए बी ई अब हमारे पास बेस नोन है और ये परपेंडिकुलर है या फिर हम इससे ले सकते हैं तो हम इससे ले लेंगे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर डी ई और हाइपोटेनियस इज ए डी। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और डी ई हमें कैलकुलेट करना है और ये आपका है 20। तो अब हम डी ई इज इक्वल टू 20 √3/2
से कैंसिल होके आपको मिला 10 और 10 इंटू रूट थ्री और रूट थ्री की हम वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 1.732 और इससे इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 17.32 सेंटीमीटर जो कि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बिटवीन ए बी एंड डी सी. ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. एक बार फिर से देख लेते हैं. हमको यहां पर एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसकी आपकी नॉन पैरेलल साइड एंड वन पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डी और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है. देन ये आपका टू ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल में डिवाइड हो गया है. तो फर्स्ट हमने ट्रायंगल लिया ए डी ई और यहां से हमने ए ई कैलकुलेट कर लिया है फोर ए बी के लिए. तो हमारे पास ए ई आया 10 सेंटीमीटर. देन आफ्टर ई एफ बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा. तो डी सी इक्वल टू ई एफ इज 20 सेंटीमीटर ये. देन आफ्टर इन नेक्स्ट ट्रायंगल एफ बी सी यानी इस ट्रायंगल में लेंगे और यहां पर भी आपका cos 60 इज इक्वल टू दिस और यहां से आपका एफ बी कैलकुलेट हो जाएगा और ये आएगा आपका 10. नाउ अब हमारे पास ये तीनों ही साइड्स आ गई हैं. देन हमने क्या किया इन तीनों को ऐड कर लिया यानी ए बी इक्वल टू दिस ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी एंड 10 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. देन फॉर सेकेंड पार्ट एंड लास्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस. तो यहां पर हमने साइन यूज किया है इन ट्रायंगल ए डी ई और साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी डी ई अपॉन ए डी. नाउ साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू और इसको कैलकुलेट करके आपको मिल गया 17.32 सेंटीमीटर. ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली. थैंक यू.